क्या हाल है भाई लोग। आज हम आए हैं दृष्टि किचन के पास। भैया ये हमारे हैं और ये जो शॉप लगती है ये हमारी शॉप लगती है मालवे नगर में लगती है। भैया से हम पूछेंगे। और ये भैया का ना कुछ थोड़ा सा यूनिक आइटम मतलब भैया ने ट्राई बनाया हुआ है जिसमें भैया जो सबवे होता है ऑलमोस्ट सबवे जैसा थोड़ा कॉन्सेप्ट को उठाया हुआ है। पूरा सबवे की तरह कॉन्सेप्ट। अच्छा, पूरा सबवे की तरह कॉन्सेप्ट उठाया है। और ये जो शॉप है लगती है ये हमारी मालवे नगर मार्केट में लगती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे के जो गुरुद्वारा वाली रोड है वहाँ पे लगती है। मेरा एक लास्ट ब्लॉग देखा होगा जिसमें मैं मलाई चाप रोल खाया था, उसके जस्ट साइड में लगती है। डिस्क्रिप्शन में मैं लोकेशन तो मैं डाल ही दूंगा, बट अभी ऐसे करते हैं भैया से बात करते हैं। और ये नया कुछ मैंने देखो, नॉर्मली बर्गर की दुकान बहुत देखी है, मतलब पेटी वेटी लगाते हुए बहुत देखी, बट थोड़ा सब्बे वाला कॉन्सेप्ट एक नया यूनिक टाइप में करना, ये थोड़ा सा मतलब मेरे को थोड़ा सा अलग लगा। तो मैंने कहा कि चलो भैया से बात करते हैं। तो भैया क्या हाल है आपके? बढ़िया। तो क्या नाम है आपका? अमन नाम है। तो कहाँ से हो आप? मैं जैसे बिहार में ऐसे चिराग दिल्ली में रहता हूँ। चिराग दिल्ली में रहते हो? क्या बात है। तो वैसे ये जो शॉप है आपकी दृष्टि किचन, तो इसको कितना टाइम हो गया खोले हुए? डेढ़ महीने हो गए। डेढ़ महीने से खोला है। तो ये मतलब खोलने का ऐसे आइडिया कहाँ से आया था खोलने का? सोचा आइडिया मैं पहले शब्बे में करता था। अच्छा, तो वहीं से आइडिया मिला इसे खोलने का। अच्छा, फिर मैं खोल लिया अपना। तो अपना खोल लिया। और तो इसका जो नाम आपने रखा दृष्टि किचन, तो ये क्या सोच के रखा वैसे? मेरे ब्रदर है ना, उनकी बेटी का नाम दृष्टि है, इसी को उसी के नाम पे ये किचन रखा है, दृष्टि किचन। ये तो आपके यहाँ होगा सब्जी, क्या क्या चीज़ें मिलती है आपके पास? सब्जी वाला आइटम मिलता है, पनीर टिक्का सब, हरा भरा सब, आलू पेटी सब। अच्छा, तो ये सारा आइटम आपके पास मिल जाता है। चलो बढ़िया, फिर एक एक बनाते हैं। पनीर टिक्का वाला बनाते हैं, मैंने सुना बड़ा बहुत ज़्यादा बढ़िया आपका होता है। अच्छा, तो आपके ब्रदर से मेरी बात हुई थी, आपके ब्रदर ही बता रहे थे पनीर टिक्का बहुत अच्छा है। तो जैसे ये जो मैंने सब्वे में एक बार जब लिया था, तब मेरे को सब्वे में ऐसे बोला था कि आप आइटम अपने हिसाब से लगवा सकते हैं, आप आइटम अपने अनुसार से चूज करना होता है कि आपको कौन से ब्रेड चाहिए, कौन से वेजिटेबल चाहिए, कौन से सॉसेस चाहिए, आपको उसी अनुसार से बनता है। तो वैसे आपको सब्वे का कितने साल का एक्सपीरियंस है? सब्वे मैंने एक साल किया था सब्वे में। एक साल किया था? और एक साल का एक्सपीरियंस हो तो भाई टेस्ट भी बढ़िया ही मिलेगा। हाँ, है ना। चलो बढ़िया, फिर ऐसा करते हैं बनवाते हैं अपना। तो ये देखो, ये अपना ना ब्रेड निकाल दिया भैया ने, और ये भाई बढ़िया सी रख दी है ब्रेड। मतलब नॉर्मल ब्रेड होती है जो प्लेन होती है, बट इस पे जो आप देख रहे हो ना, ये ऊपर से कुछ मसाले टाइप डाले हुए हैं। तो ये भैया से पूछते हैं, भाई ये मसाले जो डाले हुए हैं, ये जो मसाले डाले हैं ये कौन से मसाले हैं भैया? ये क्या चीज़ है ये जो ऊपर ब्रेड के ऊपर लगी हुई है? ब्रेड बहुत प्रकार के होते हैं, मल्टीग्रेन, प्लेन, ये ऐसे, ये ओरिगैनो ब्रेड है ये। अच्छा, ये ओरिगैनो ब्रेड? ओरिगैनो ब्रेड है। हाँ, तो मतलब ब्रेड में हमें ओरिगैनो का भी टेस्ट आएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये तो ये तो भैया जो ब्रेड है ये आप खुद बनाते हो? नहीं नहीं, बना हुआ ब्रेड। अच्छा, बना हुआ लाते हो, ठीक है। तो ये पूरा पैकिंग होता है, तो फ्रेशनेस तो होती है ना, मतलब पूरा फ्रेश ही निकलाते हो डेली अपना? तो भाई ये हमारी जो ब्रेड है ना, ब्रेड को भैया ने काट लिया है। तो ये कितना 6 फीट कर दिया आपने? 6 इंच का कर दिया है। तो अब ये सबसे पहले ब्रेड को बीच में से पहले काटा, उसके बाद से भी भैया ने काट दिया है और बीच में से काट दिया। अच्छा, बीच में काट दिया, अब इसमें क्या करोगे भैया? इसको रोस्ट करेंगे। अच्छा, अब इसको रोस्ट करोगे, तो रोस्ट क्या करोगे? रोस्ट विद चीज करोगे। हाँ। तो मतलब रोस्ट करोगे चीज के साथ? हाँ, रोस्ट करोगे ओवन में। ओके, ओवन में करोगे। तो ये चीज डाल दी, ये कौन सी वाली चीज है? अमूल, वो मदर डेयरी का चीज होता है। अच्छा, मदर डेयरी की चीज होती है। अच्छा, ये भाई हमारी देखो चीज यहाँ से निकाल दी है, मदर डेयरी वाली चीज है। देखो भाई क्वालिटी तो बहुत बढ़िया सी लगी रही है। अब ये चीज निकाल के अब इस स्लाइस को आधा काट दिया है ट्राइंगल शेप में, यहाँ भाई अंदर डाल दिया है चीज़ के अंदर, ठीक है, बन के अंदर डाल दिया हमारे ब्रेड के अंदर। अब ब्रेड को डाल दिया इसके अंदर तंदूर के अंदर, ये तंदूर तो नहीं है बट ओटीजी, टोस्ट करने के लिए। तो रोस्टिंग के लिए ओटीजी होता है, ओटीजी में रोस्ट हो जाता है, बिल्कुल गर्म कर देते हैं। अब क्या होगा कि जो हमारी जो ब्रेड है चीज़ के साथ पूरी सिक जाएगी और जो चीज़ है वो भी मेल्ट हो जाएगी। तो भाई लोग देखो हमारी ना, देखो ये आलू पैटी आ गई है, ये देखो यहाँ पे आप देख रहे हो ये आलू पैटी है, और ये जो पनीर है ये तंदूरी पनीर है, ठीक है। तो हमारी जो पनीर टिक्का बनेगा और एक बनेगा हरा भरा सब, जिसमें बनेगा आलू पैटी डालेगी, तो उसके लिए डाले। अब इसको क्या कर रहे हो भैया? अब इसको माइक्रोवेव करेंगे। अच्छा, तो माइक्रोवेव में गर्म होकर पकेगा ये? हाँ, पकेगा, ठीक है। तो इसको भाई माइक्रोवेव में डाल दिया और यहाँ से अब ये पकना शुरू हो जाएगा। चलो भाई, हमारी जो ब्रेड है वो बिल्कुल रोस्ट हो गई है, अब इसको बंद कर दिया है। अब देखो देखो ऊपर, देखो ऊपर की जो लेयर देखो ना, वो पूरी गर्म हो गई है, लाल लाल हो गई है, और यहाँ से हमारा ब्रेड निकाल दिया है। अब इसमें भाई सॉस डालोगे, कौन कौन से सॉस डालोगे भैया? ये है मेयोनीज। सबसे पहले भाई मेयोनीज डाला है, क्या बात है, पूरी अच्छे तरीके से भाई रगड़ दिया है इसमें मेयोनीज को। नेक्स्ट किस नेक्स्ट डाल रहे हैं इसमें? नेक्स्ट अब वो वेजिटेबल डालेंगे, ये है लेटस। अच्छा, उसके बाद वेजिटेबल्स डालेंगे। हाँ, okay, सबसे पहले इसमें लेटस डाला है, लेटस आइसबर्ग इसमें डालेगा, इसमें थोड़ा सा ऑनियन, थोड़ा सा ऑनियन डाल दिया,
कुकुम्बर, उसके बाद कुकुम्बर, कैरेट, उसके बाद डाल दी कैरेट, लास्ट में डाल दिया इसमें वेज टिक्की, आलू टिक्की, आलू पैटी डाल दी है जिससे थोड़ा टेस्ट भी आया इसका। अब इसको क्या करोगे? अच्छा पनीर लगाएंगे। अच्छा इसमें अब लास्ट में इसमें थोड़ा पनीर भी डाल दिया है जिससे भाई मतलब पनीर टिक्का प्लस वेज आलू टिक्की का प्रॉपर टेस्ट आएगा हमें। और पनीर अगर आप देखोगे तो भाई पूरी अच्छी तरीके से भर दिया है और जिससे पूरा पूरा टेस्ट आया हमें। सॉस हम कस्टमर के अनुसार डाल रहे हैं कि कौन किस कस्टमर को कौन कौन सा सॉस चाहिए उन्हीं के अनुसार ये सॉस डालता है। अच्छा जिसको जो हिसाब से सॉस चाहिए उसको वही वाला सॉस डालता है। हाँ ठीक है भाई आप बताइए कौन सा आपका सॉस है। अच्छा तो लास्ट में इसमें डाल दिया है भाई टमाटो और कैप्सिकम डाल दिया है। और अभी ये कौन सी सॉस डाल रहे हो? मिंट है ये, ये मिंट सॉस है। ओके तो ये मिंट सॉस डाल रही है। और लास्ट ये क्या डाला है? मेयोनीज़, दोबारा मेयोनीज़ डाल दिया और भाई मेयोनीज़ से पूरा क्रस्ट कर दिया है भाई, बहुत बढ़िया। चलो इसमें लास्ट भाई स्वीट चिली डाल दी है, मतलब थोड़ा मीठा थोड़ा तीखा। और यहाँ से अब लास्ट ये फाइनल भाई हमारा बहुत ज़्यादा बढ़िया हो गया। अब मेरे को तो भाई ये सोच रहा हूँ कि ये बंद कैसे हुआ क्योंकि इतना ज़्यादा स्टफिंग हो गई है इसके अंदर, तो बंद करना मेरे को थोड़ा इम्पॉसिबल लग रहा है। बट भाई हमारे कह रहे हैं कि भाई ये बंद हो जाएगा ना। हाँ, बंद हो जाएगा तो भाई एक्सपीरियंस वाले भाई ये बोल रहे हैं तो हो ही जाएगा। अब इसको यहाँ से बंद करेंगे, उसके बाद हम करेंगे इसको खाना शुरू और फिर आपको टेस्ट करके बताएंगे कि दृष्टि किचन का हमारा सब्बे कैसा है, हरा भरा सब कैसा है। चलो भाई लोग देखो अब इसको टेस्ट करना तो बनता है यार। ये भाई यहाँ से हमने भाई पूरे निकाल दी। और अगर मैं इसकी स्टफिंग की बात करूँ ना तो स्टफिंग देखो भाई अंदर इतनी ज़्यादा भरी है ना, क्रीम प्रॉपर दिख रहा है। ये आलू हमारी पैटी दिख रही होगी और यहाँ इसी के अंदर कहीं पनीर खोया हुआ है क्योंकि इतना सब भर दिया है इसके अंदर भाई। बहुत ही ज़्यादा बड़ा और बहुत डिलीशियस सा बना हुआ है, तो इसको एक बाइट इसकी लगा लेते हैं हम भाई। मेरे मुँह के अंदर ज़्यादा इतना बड़ा बना रखा है यार। इतना बड़ा बाइट लेने के बाद सिर्फ मेरे पास मतलब फुल टिक्की तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि इतनी सारी स्टफिंग भरी हुई है ना, तो भाई टिक्की तक भी नहीं पहुंच पाया हम। तो एक बाइट मैं दोबारा लेता हूं, बड़ी सी बाइट लेता हूं और बड़ी बाइट, इसमें मैं प्रॉपर पहुंचूं और प्रॉपर अच्छा सा टेस्ट है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी बनाया। प्लस एक पॉइंट होता है सब्बे का, हम मोस्टली मैंने वो लोग देखे जो हेल्दी खाना चाहते हैं और सेम इसमें भी यही चीज़ है, प्रॉपर हेल्दी वे में बना रखा है। और ये नो वाली ब्रेड है, साथ में पनीर, आलू पैटी स्टफ होता है जो वेजी के स्टफ और जो सॉल्ट होती है वो सब डाला हुआ है, तो बहुत बढ़िया बना रखा है यार। और टेस्ट तो लाजवाब है, मज़ा आ गया। बाकी हम मिलते हैं भाई नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ अलग मस्ती करते हुए, कुछ अलग खाते हुए, बढ़िया सा। टिल देन बाय, सी यू, टाटा।